जब ये संकट 2 दिन बिजली का संकट आया, हालांकि वो शेड्यूल था, पेपर में आया हुआ था, लेकिन हम भी अवगत नहीं थे। इमीडिएट हमने शहर में जितने भी पानी के सोर्स हैं, जो पानी शहर में इंटेक होता है, चाहे वो शीतली है, चाहे धुंधली है, चाहे बोरिया है, चाहे हमारा कंपनी बाग है, चाहे और कहीं से, हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ जाकर देखा क्या क्या कमियाँ हैं। हमारे साथ SC और पूरा PHE विभाग हमारे साथ था, हमारी कमिश्नर ऑनरेबल, हम सब हमारी ऑनरेबल डिप्टी मेयर, चेयरमैन, सब ने जाके देखा एक्चुअल बात क्या है, एक्चुअल तकलीफ कहाँ पर है, पानी की शॉर्टेज क्यों हो रही है। सबसे पहली बात ये देखेंगे कि शीतली के अंदर जो फिल्टर है वो बहुत 20-25 साल पुराना पड़ा हुआ है, वहाँ आधा पानी भी फिल्टर नहीं हो रहा है, और जो पानी उठाते हैं मोटरें वहाँ पे ख़राब पड़ी हुई हैं, और बिजली की तरह तरह बिजली की प्रॉब्लम है। हालांकि शीतली के अंदर तीन ग्रिड की बिजली सीधी आ रही है, डायरेक्ट आ रही है, बड़ी बड़ी मोटरें जो हैं बिना ट्रांसफार्मर वहाँ 11 KV से चल रही है। सब मोटरों को जो लीकेज होती है, जो ट्रांसफार्मर, जो कोई प्रॉब्लम जहाँ भी है, चाहे शीतली में है, चाहे धोंथरी में है, चाहे बोरिया में है, चाहे कहीं और है, और पानी हम सोर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। इस बार अमृत में हमें पैसा आएगा लगभग 90-92 करोड़ रुपया, उसके लिए हम सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जो पानी शहर में आता है, यहाँ से आता है, उसको कैसे ठीक कर सकते, सारे सिस्टम को ठीक करेंगे। और खासकर बोरिया में और पानी हमें चाहिए। 11 बजे गया, पूरा चेक किया, वहाँ जहाँ 8 आदमी होने चाहिए थे, वहाँ लिस्ट लगी थी 8, 2 आदमी थे। इसी तरह मैकेनिकल के में भी 4 आदमी थे, 2 आदमी थे, और 8 बार उनको मैंने कहा, मैं बात जम्मू वासी पानी के लिए तड़प रहा है, तो आप लोग घर में सो रहे हो, ऐसा नहीं होने देंगे।